न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु राव। 720 प्राइवेट बसों को परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल लगातार आज 13वें दिन भी जारी रही, लेकिन आज रोडवेज कर्मचारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रेवाड़ी के नेहरू पार्क में धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यूनियन के बड़े पदाधिकारी पुलिस के आने की भनक मिलने से पहले ही रफू चक्कर हो चुके थे। 720 निजी बसों को परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल करके लगातार 13 दिन से नेहरू पार्क में धरना दे रहे थे। सरकार और कर्मचारियों के बीच बात नहीं बन पा रही थी। कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हैं तो सरकार भी उनकी मांगे मानने को किसी सूरत में तैयार नहीं है। सरकार लगातार कर्मचारियों पर सख्ती बरत रही है। 280 कर्मचारी पर पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 10 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा चुका है। सरकार ने यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश शनिवार को ही दे दिए थे। रविवार सुबह से ही नेहरू पार्क के बाहर पुलिस की गहमागहमी शुरू हो गई थी। बावल के SDM मनीष कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। बड़ी तादाद में पहुंचे पुलिस बल की सूचना मिलते ही रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी पहले ही धरना स्थल से खिसक गए थे। पुलिस टीम भी आदेश मिलते ही पार्क के भीतर घुसी और 40 के करीब कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने साथ ले लिया। इसी दौरान कर्मचारियों में भारी हड़कंप मच गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सिर्फ परमिट रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रुख अपना रही है, जिसे वे किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे और इस जायज मांग को मनवाकर ही दम लेंगे। अब सरकार ने धरना तो समाप्त करवा दिया, देखना होगा कि खट्टर साहब इस मामले में अगला क्या कदम उठाते हैं और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करा पाते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हड़ताल के बारे में हम ये कहेंगे जी, जो मुख्यमंत्री कर्मचारियों के ऊपर जो ये गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, ये बहुत ही अनैतिक, लोकतंत्र के अंदर ऐसा काम और बातचीत के तरीके से सुलझाना चाहिए, ना कि उनको अरेस्ट करके और जो 16 हमारे शीर्ष नेताओं के वारंट निकाले हैं, इनसे कर्मचारियों के अंदर बेहद नाराजगी और बहुत ही जोश है। और मुख्यमंत्री इस बात के ऊपर बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। पब्लिक किसी भी रूप में जितना समर्थन रोडवेज को मिल रहा है, शायद ऐसा ऐतिहासिक समर्थन पहले कभी भी नहीं मिला। ये मुख्यमंत्री को बहुत जल्द से जल्द बैठ करके समझौते के लिए बुलाने चाहिए, ना कि इनको अरेस्ट करने के लिए। और कर्मचारी के जो नीचे के लेवल के हैं, वो सभी एकजुट हैं। कोई भी कर्मचारी जो पहले दिन हड़ताल पे आया था, वो एक भी कर्मचारी वापस नहीं जा रहा, तस से मस नहीं हो रहा। हम लगातार रोडवेज की जो हड़ताल चल रही है उसमें समर्थन कर रहे हैं और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि ये जो निजीकरण सरकार ने कर रखा है, रोडवेज कर्मचारी इतने परेशान हो रहे हैं, सरकार ने अगर ये बात नहीं मानी तो इसके लिए रोडवेज कर्मचारियों के लिए घर से, हर एक घर से आम बंदे आने के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है रोडवेज बंद होने से हर इंसान परेशान हो रहा है, हर बच्चे को परेशानी आ रही है, लड़कियों को परेशानी आ रही है और सरकार के ना जाने क्यों कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। सरकार से यही करेंगे कि हम बसों को निजीकरण ना देके जो हमारा रोडवेज का विभाग है उसको चालू किया जाए। धरना स्थल पर क्या कहेंगे? अभी ये 13 दिन से चल रहा था, आज हमने जो है आकर SHO CT आया है, SHO अपना जो है मॉडल टाउन आया है और हम जो है पुलिस आकर ये धरना स्थल जो चल रहा था इसको हमने आकर जो हमें हुक्म दिया गया था वो हुक्म की को फॉलो किया है और धरना स्थल खाली करवा दिया है। अभी यहाँ कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, अब यहाँ फिलहाल जो है अब कोई भी यहाँ खाली नहीं।